नमस्कार दोस्तों, देखिए आज सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 5। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ABC खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो स्पर्श रेखाओं की रचना करने बोल रहा है। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए। अब सवाल में चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचने बोल रहा है, तो हम इसका नाम रख देते हैं ए और बी। ठीक है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचेंगे। देखिए स्केल में 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं हम लोग। देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। अब सवाल में चलते हैं। सवाल में आगे बोल रहा है बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचने बोल रहा है, तो यहाँ पे बी पे हम लोग 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त खींचते हैं। देखिए स्केल में 3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे एक वृत्त बना देते हैं। वृत्त बन गया। देखिए अब सवाल में बोल रहा है दोनों वृत्त से स्पर्श रेखा होना चाहिए, तो क्या करेंगे स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम लोग ये 8 सेंटीमीटर रेखा को हम लोग समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, आधा से अधिक डेढ़ सुई को बढ़ाना इस तरह, आधा से अधिक एक बार इधर काटना है, फिर एक बार इधर। ठीक है, फिर यहाँ से सेम प्रोसेस करना है, यहाँ फिर यहाँ पे। अब देखिए ई बिंदु और ई बिंदु को आपस में मिला देना है। देखिए खींच दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एम बिंदु मिल गया। अब यहाँ पे इसको नापेंगे और एक वृत्त खींच देंगे। देखिए यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे नापेंगे, फिर इस साइड भी नापेंगे बी में। ठीक है, दोनों साइड बराबर होता है। अब इसको मध्यम में आगे बढ़ाते चलेंगे। देखिए खींच दिए। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे कटा है उसका नाम रख देते हैं। यहाँ पे पी क्यू आर एस। ठीक है, अब मिला देते हैं, पी से बी को मिलाएंगे, फिर क्यू से बी को मिला देते हैं। देखिए मिला दिए क्यू से बी को, फिर पी से बी को मिला देते हैं। देखिए मिला दिए। अब क्या करेंगे, आर से ए को मिलाएंगे, फिर एस से ए को मिलाएंगे। ठीक है, ठीक है मिला दिए। अब यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। देखिए मिला दिए। अब जो स्पर्श रेखा पे जो कोण बनता है यहाँ पे ई 90 डिग्री का होता है, इसको भी मिला देते हैं एक बार। देखिए मिला दिए। यहाँ पे जो कोण बनता है ई 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 8 सेंटीमीटर पूरे है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए हम लोग का रचना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रचना के चरण लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, पहले 8 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए, यही चीज़ लिखेंगे। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे ए को केंद्र मान के हम लोग 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे हैं, फिर यहाँ पे
बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचें, तो यही चीज लिखेंगे दूसरा पॉइंट में, ए को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा पॉइंट में ए बी को हम लोग समद्विभाजित किए हैं जो मध्य बिंदु एम मिला है, तो यही लिखेंगे ए बी को समद्विभाजित किया माना एम ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट लिखते हैं, देखिए एम को केंद्र मानकर ए एम त्रिज्या लेकर यहाँ एक वृत्त खींचे हैं मध्यम में, तो यही चीज लिखेंगे, और जहाँ जहाँ स्पर्श किया है वो भी लिख देंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस पर स्पर्श किया ये भी लिख देंगे, एम को केंद्र मानकर तथा ए एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो दोनों वृत्त को क्रमशः किस पे काटती है, पी क्यू आर और एस पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट लिखेंगे, देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा, अब लिखेंगे ए को आर से मिलाए, फिर ए को एस से मिलाए, फिर बी में यहाँ बी से पी में मिलाए, फिर बी से क्यू को मिलाए, तो यही चीज लिखेंगे, ए को आर एस से मिलाया, बी को पी क्यू से मिलाया, ठीक है। रचना का चरण कंप्लीट हो गया, अब हम लोग औचित्य लिख देते हैं। देखिए औचित्य में लिख देंगे यहाँ जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो किस पे बन रहा है, ए पी बी पे बन रहा है, तो यही चीज़ लिख देंगे, अर्धवृत्त का कोण है। तो देखिए आप लोग 5 नंबर के नीचे लिखिएगा औचित्य, हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री, ये अर्धवृत्त का कोण है, ठीक है। अब किस पर लंब हो रहा है, यहाँ पे देखिए ए पी लंब है पी बी, ठीक है, यही चीज लिखेंगे ए पी लंब है पी बी, ठीक है। अतः पी बी स्पर्श रेखाएं है, ठीक है। इसी तरह बी क्यू ए आर और ए एस स्पर्श रेखा है,
स्पर्श रेखाएं है, ठीक है, ई सब लिख दिए, ए एस फिर ए आर फिर पी बी फिर पी क्यू, ठीक है, हम लोग का औचित्य भी कंप्लीट हो गया। धन्यवाद दोस्तों।